हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपनी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, हम वर्कशीट वन कर रहे हैं एंड हमने फोर क्वेश्चन इस वर्कशीट के कर लिए हैं। आज हम फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, देन हमारी वर्कशीट वन एकदम फाइनल हो जाएगी, ठीक है? तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम आंसर देंगे। एंड ये कहने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है, बिलीव है कि आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया, एक बार फटाफट से पढ़ते हैं, फिर जल्दी से इसका आंसर देंगे, ठीक है? इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, बाई सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल करने पर अ शॉपकीपर लूजेस एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स। अब इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं दी है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। अब जरा सुनिए, फाइंड हिज लॉस परसेंट। अब इसमें ये कहा है कि सेलिंग प्राइस जो है ना, जो ग्रीटिंग कार्ड जो 35 ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल करने पर उसको लॉस हुआ है 5 ग्रीटिंग कार्ड्स के एसपी के इक्वल। अब एक बात जरा सुनो, लेट एसपी ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड्स आप मान लीजिए एक्स, ग्रीटिंग कार्ड बी एक्स, ठीक है? ये बात आपको समझ में आई कि हमें क्या करना है, 1 ग्रीटिंग कार्ड का एसपी जो है एक्स मान लो, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया कितने में सेल किया है, ठीक है? ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है? तो एसपी ऑफ 35 ग्रीटिंग कार्ड्स कितना हो गया, 35x हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि जब एसपी 1 ग्रीटिंग कार्ड का एक्स है तो 35 ग्रीटिंग कार्ड का एसपी कितना हो गया, वो भी एक्स हो गया। ये बीच का लिख लेना स्टेटमेंट, मैंने नहीं लिखा, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई। अब उसमें पता है ये कहा है कि उसको जो लॉस हुआ है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड के को लॉस हुआ है, तो लॉस आप लिख लो। लॉस कितना हो गया भाई, 5 ग्रीटिंग कार्ड की जो एसपी है उसके एक को लॉस हुआ है, तो 1 ग्रीटिंग कार्ड का एसपी कितना एक्स, तो 5 ग्रीटिंग कार्ड का एसपी कितना हो गया 5x, तो ये आ गया आपका लॉस। अब ये बात समझ में आ गई। अब एक बात जरा सुनो, आपको टोटल एसपी पता है, टोटल आपको लॉस पता है, देखो आपको लॉस भी पता है और एसपी भी पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी का फॉर्मूला क्या है, सीपी का यहां से देखो, लॉस भी पता है और एसबी भी पता है। अब आप कहोगे सीपी का फॉर्मूला ये क्यों नहीं लगा रहे, इसमें तो परसेंट वाले फॉर्मूले हैं, ये कब काम आते हैं, जब प्रॉफिट परसेंट हो, ठीक है? एसपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तब ये वाले फॉर्मूले काम आएंगे। लेकिन इसमें क्या दिया है, लॉस दिया है, लॉस परसेंट नहीं दिया है, ठीक है? तो लॉस है और आपके पास क्या है, एसपी है, तो आप सीपी फाइंड कर सकते हैं। यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो हम एसपी धरा जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एसपी प्लस लॉस। ये बात आपको समझ में आ गई। SP कितना है हमारे पास, SP है हमारे पास 35x प्लस लॉस कितना है हमारे पास 5x, कितना आ गया 40x, ये आ गया CP। ये बात आपको समझ में आ गई। हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन CP इनटू 100। मालूम है ना आपको ये वाला फॉर्मूला, लॉस परसेंट, लॉस अपॉन CP इनटू 100। तो लॉस कितना है हमारे पास, लॉस कितना है 5x, CP कितना है 40x और इनटू 100। समझ में आ गई बात, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, टू से टू, टू जा फोर, टू फाइव जा टेन, ठीक है? और एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, फाइव फाइव जा 25 अपॉन 2, ठीक है? इसका मतलब हो गया 12 होल 1 अपॉन 2, इतना परसेंट उसे लॉस हो गया। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, एक बार नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है? अब चलिए सिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मैन बॉट बनानाज एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹45, यानी उसने क्या किया है, ₹45 के 10 बनाना लिए हैं। तो आप एक बार देखो, CP of 10 bananas इक्वल टू ₹45, यानी 45 के 10 बनाना लिए हैं, तो CP ऑफ 1 बनाना कितने का हो गया, ठीक है? कितने का हो गया बताइए, 45 अपॉन 10, इसका मतलब हो गया ये ₹4.5 का एक बनाना लिया है, यही तो कहा है क्वेश्चन में, ठीक है? 10 लिए हैं 45 के, तो 4.5 का एक बनाना हो गया। और उसमें क्या क्या है, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 1 dozen बनाना फॉर 51 एसपी। देखो 1 dozen मतलब 12, एसपी ऑफ 12 बनानास, ठीक है? एसपी ऑफ 12 बनाना कितना हो गया ₹51, तो एसपी ऑफ 1 बनाना कितना हो गया, एसपी ऑफ 1 बनाना कितना हो गया ₹51 अपॉन 12, अब इसे 12 से डिवाइड कर लो, 4.25, ठीक है? ये आ गया उसका एसपी ऑफ 1 बनाना। अब क्या कहा है,
फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। अभी देखो एक बात जरा सुनो, हमें दिया था 10 बनाना का सीपी 45, तो 1 बनाना का हमने सीपी निकाल दिया। ऐसी एसपी दिया था 1 डजन बनाना का 51, तो 12 बनाना का सेलिंग प्राइस है 51, तो 1 बनाना का एसपी निकाल दिया। 1 बनाना का सीपी ये है, 1 बनाना का एसपी ये है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है? सीपी ज्यादा है क्योंकि ये है 4.50, ये है 4.25, तो यहाँ पे सीपी ज्यादा है। ठीक है, हेयर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ठीक है, सीपी ज्यादा है तो क्या हो गया? लॉस। जब भी सीपी ज्यादा होगा यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा की है, सेलिंग प्राइस कम की है, तो क्या हो गया? लॉस। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो सीपी कितना है हमारे पास? रुपीज 4.50 माइनस रुपीज 4.25। ठीक है, कितना आ गया? रुपीज 0.25, इतने रुपए का उसको लॉस हुआ है। अब उससे क्या पूछा है? गेन और लॉस परसेंट, तो परसेंट निकाल दो, लॉस है तो लॉस परसेंट निकालोगे, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो गया? लॉस, लॉस अपॉन सीपी। तो लॉस कितना है हमारे पास? 0.25 अपॉन सीपी। सीपी कितना है हमारे पास? ये रहा 4.50 और इनटू 100। बात समझ में आ गई? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 9 45 5 5 25, यानी आ गया 50/9। कितना आ गया यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉस परसेंट इक्वल टू हो गया आपका 50/9। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 9 5 45 5 5/9। ठीक है, इतना परसेंट इसका लॉस आ गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? इसको ना मिक्स फ्रैक्शन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाते आते एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों से बहुत उम्मीद है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।